नाज़रीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिसको इस्लामी जमहूरिया कहा जाता है, वहाँ अभी तक तो गैर शरई काम जो होते हैं वो होते हैं, उनकी अलग बात है, लेकिन हुकूमती तौर पर भी गैर शरई कामों की एक भरमार रोज़ के रोज़ कोई ना कोई लॉन्च हो रही है। फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर पहला वुमेन मिल्क बैंक शुरू हो चुका है। अब ये वुमेन मिल्क बैंक क्या है, इसको समझ लीजिए, यहाँ औरतें जाकर के अपना मिल्क यानी अपना दूध डोनेट करती हैं और उसके बाद वो दूध अलग अलग शीशियों में अलग अलग शहरों के अंदर बैंक बनाया जाएगा और वहाँ जाएगा और वहाँ अलग अलग बच्चों को वो पहुँचाया जाएगा। अब इस मसले के अंदर आप अगर शरई नुक्ते नज़र से देखें तो सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने रज़ात के मसाइल बाकायदा तौर पर बयान कर दिए हैं कि एक औरत का दूध एक उसका बच्चा पिए और उसके बाद अगर किसी दूसरे के बच्चे ने उस औरत का दूध पी लिया मुद्दते रज़ात के अंदर यानी 2.5 साल के अंदर, तो वो बच्चा उस बच्चे का रज़ाई भाई, या अगर लड़की ने पिया है तो रज़ाई बहन वो लड़की उस बच्चे की बन जाएगी। यानी एक बच्चे का दूध, एक माँ का दूध अगर दो बच्चे पियेंगे तो ये रज़ाई भाई बहन हो जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये जब मिल्क बैंक अलग अलग शहरों तक पहुँचेगा और अलग अलग शहरों में जब एक दूसरे के बच्चे, किसी को पता नहीं होगा कि किस औरत का दूध कौन सा बच्चा पी रहा है, तो ये कितना ज़्यादा गुनाह का दरवाज़ा खुलेगा और कितना ज़्यादा इससे जिनाकारी और हरामकारी प्रमोट होगी। लिहाजा जो गैर मुस्लिम ममालिक अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको ना देखते हुए कम से कम इस बात का पास रख लो कि इस्लामी जमहूरिया अपने आप को कहते हो तो कुछ तो इस्लाम पर चल करके दिखाओ। और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।